Hi, this is Mitali. Welcome to eWithHattie.in. चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूमेरिकल के साथ, विच इज क्वेश्चन नंबर 13 ऑन पेज नंबर 128 एंड 129. ठीक है, चलिए तो सबसे पहले देखते हैं हमारे क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, देन विल मूव ऑन टू द सॉल्यूशन. अ हॉकी बॉल ऑफ मास 200 ग्राम्स ट्रैवलिंग एट द स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, तो यहाँ पर हमें सबसे पहले ये दिया गया है कि हमारे पास कोई भी हॉकी बॉल है एट अ मास ऑफ हैविंग अ मास ऑफ 200 ग्राम्स. Now the ball is traveling with the speed of 10 meter per second, but then suddenly it is hit by a hockey stick. तो एक hockey stick से टकराती है. That means कि यहाँ पर collision का बात चल रही है. ठीक है, किसी भी दो चीजों का टकराना अब जरूरी नहीं है कि वहां पर वो stars भी होने चाहिए या फिर दो balls होनी चाहिए. कोई भी ऑब्जेक्ट आपस में कोलाइड करके हमें क्वेश्चन उत्तर दिया जा सकता है. ठीक है, तो यहाँ पर ये मत सोचना कि ये टकराना हमारा वो कोलिजन वाला मोमेंटम वाला कॉन्सेप्ट नहीं हो सकता. जरूर हो सकता है और एक्चुअल में ये वही कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन बेस्ड है. ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या दिया गया है कि आपकी जो बॉल थी इट इज ट्रैवलिंग विद एन इनिशियल स्पीड. ठीक है, तो मैंने यहाँ पे मेंशन करी है 10 मीटर पर सेकेंड एंड देन इट इज स्टक बाय अ हॉकी स्टिक. और हॉकी स्टिक से टकराते ही इट इज पुश्ड बैक, बेसिकली वो अपने उसी पाथ पे रिटर्न हो जाती है. ठीक है, सो फॉर सपोज ये मेरे पास एक बॉल है, अभी इसकी जो वेलोसिटी है इनिशियल वेलोसिटी दैट इज 10 मीटर पर सेकंड. ठीक है, अब व्हेन इट इज गेट स्टक बाय अ हॉकी स्टिक, तो एक हॉकी स्टिक से टकराई एंड देन इट रिड्यूसेस टू 5 मीटर पर सेकंड अलोंग द सेम पाथ, यानी कि जिस पाथ से ये आई थी. फॉर सपोज हमारी बॉल ऐसे आई, ठीक है, और इसने किसको टकराया, हॉकी स्टिक से टकराया. तो ये जब इस डायरेक्शन में मूव कर रही है हैविंग द स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड, लेकिन आफ्टर द कोलिजन दैट मींस कि जब हमारी हॉकी स्टिक से बॉल टकराई है सो वापस अपने ही पाथ पे रिटर्न हो गई है बट रिड्यूस्ड वेलोसिटी. तो उसकी जो वेलोसिटी है दैट इज 5 मीटर पर सेकंड, लेकिन क्योंकि वो रिटर्न हो गई है अपने प्रीवियस पाथ पे दैट इज व्हाई हम जो यहाँ पर वेलोसिटी लेंगे वो हम नेगेटिव साइन से इंडिकेट करेंगे. ठीक है, तो यहाँ पर हमारी 10 है और यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है कि वेलोसिटी रिड्यूस हो चुकी है. ठीक है, सो व्हाट वी नीड टू फाइंड आउट इज कि यहाँ पर जितना भी मोमेंटम आया है, एक हो गया हमारा इनिशियल मोमेंटम जो बॉल के अंदर था, उसके बाद उसने हॉकी स्टिक से टकराया एंड देन उसका मोमेंटम चेंज हो गया है. सो वी नीड टू फाइंड आउट व्हाट इज द चेंज इन द मोमेंटम. यहाँ पर हमें मोमेंटम में बॉल के जो दो अलग अलग मोमेंटम रहे हैं उसकी स्पीड में बदलाव आया है, वही चेंज हमें निकालना है. ठीक है, लेकिन सबसे पहले बात आती है कि चलो चेंज इन मोमेंटम हम निकालेंगे, पर चेंज इन मोमेंटम का क्या मतलब है. चेंज इन मोमेंटम होता है फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम. ठीक है, यानी कि हमारा कोलिजन जब हुआ है, कोलिजन मतलब बॉल ने जब हॉकी स्टिक से टकराव की है तो उसके बाद जो उसका मोमेंटम बना है दैट इज द फाइनल मोमेंटम एंड उससे पहले जो बॉल का मोमेंटम था दैट विल बी द इनिशियल मोमेंटम. ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ कि यहाँ पर एक इनिशियल मोमेंटम हम निकाल लेते हैं. मोमेंटम ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल पी, और क्योंकि ये इनिशियल है तो यहाँ पर हम इनिशियल लिख देते हैं एंड देन क्या फॉर्मूला है, मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी. तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, अब यहाँ पे देखिए कि 200 ग्राम्स है, बट क्योंकि मैं 200 ग्राम्स में नहीं लेना चाहूंगी, केजी में हम इसे कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से हम इसे क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे एंड वी विल गेट 0.2 केजी. ठीक है, तो यहाँ पर हम ले लेते हैं 0.2 केजी इनटू 10. सो जल्दी से बता दीजिए क्या हमारा आंसर होने वाला है, दैट विल बी अगर आप इसे हटाएंगे तो जल्दी से बता दीजिए यहाँ पर हमारा क्या आंसर होने वाला है, दैट विल बी 2, क्योंकि हम मोमेंटम निकाल रहे हैं तो केजी मीटर पर सेकेंड, राइट. तो ये हमारा इनिशियल मोमेंटम आ गया है. ठीक है, चलिए अब हमें यहाँ पर एक और चीज निकालनी है कि हमारा जो बॉल है उसका फाइनल मोमेंटम क्या हुआ है. तो फाइनल मोमेंटम को हम अगेन स्मॉल पी एंड फाइनल हम यहाँ पे निकाल लेते हैं, तो क्या होगा, वो मास विल रिमेन द सेम बट उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो चेंज हो गई है दैट इज -5. तो अगेन हम उसी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आ जाएगा यहाँ पर, मास इज 0.2 एंड हियर वेलोसिटी इज -5. सो आंसर वी विल गेट इज -1 केजी मीटर पर सेकेंड. ठीक है, सो आपको समझ आया कि
किस तरीके से हमने फाइनल एंड इनिशियल मोमेंटम निकाल लिया है। नाउ वी नीड टू फाइंड द चेंज इन द मोमेंटम। अब चेंज इन द मोमेंटम क्या होता है? फाइनल मोमेंटम यानी कि हमारा जो मोमेंटम हमने फाइनल बॉल का निकाला है माइनस इनिशियल मोमेंटम। ठीक है, सो हमें कुछ नहीं करना है, बस अपनी वैल्यूज को पुट करना है एंड वी विल गेट द आंसर। तो यहाँ पर ये माइनस वन है एंड देन इट इज माइनस टू। सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पर हमारे पास क्या था? टू था। सो दिस विल बी माइनस थ्री केजी मीटर पर सेकेंड। ठीक है, सो हमारा जो मोमेंटम में चेंज आया है ये आया है 3 केजी मीटर पर सेकेंड। बट यहाँ पर एक सोचने वाली बात ये है और आपसे इसके बारे में पूछा भी जा सकता है, मैंने ये चीज हर क्वेश्चन में डिस्कस आपसे करी है कि माइनस साइन क्यों इंडिकेट किया है। इसका मतलब कि मोमेंटम जो हमारा लग रहा है दैट इज रिड्यूस्ड। बेसिकली आप पहले जो कोलिजन के वक्त पे मोमेंटम था बॉल में वो ज्यादा था, लेकिन आफ्टर द कोलिजन जब वो हॉकी स्टिक से टकराई उसकी वेलोसिटी भी डिक्रीज हुई और इसी वजह से उसका मोमेंटम भी डिक्रीज हुआ है। तो माइनस साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि ये मोमेंटम कैसा है, दिस इज द रिड्यूस्ड वन। फाइन, चलिए अब ये आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। स्टे ट्यून्ड विद अस। अप टू देन, बाय।